नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज सोनी है और मैं कैलाश हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो दीपा देवी पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा, इनको जो कूलर था इनका, उसका नेक का फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ से जब ये आई, हमने जब एक्सरे करा तो हमें ये पता चला कि इनकी कूल्हे की हड्डी है, ये फ्रैक्चर नेक और फीमर हो गया था इनको। तो इस जनरली हम 65 ईयर्स से नीचे के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम पूरा जो कूलर रिप्लेसमेंट होता है, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वो करना प्रिफर करते हैं। इसमें आधा हिप रिप्लेसमेंट मोस्टली नहीं करते हैं। अगर ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट रहते हैं तो उसमें आधा हिप रिप्लेसमेंट प्रिफर किया जाता है, लेकिन यंगर एज ग्रुप में टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना प्रिफर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर जो एसिटेबलम का पार्ट होता है, उसकी जगह पर एक ये एसिटेबलम की जगह एक मेटल का इम्प्लांट लगता है, मेटल कप लगता है, और नीचे ये स्टेम लगता है, जो नेक की जगह ये स्टेम काम करता है। तो ये प्रॉपर इनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, जहाँ पे अभी ये इस टाइम 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इनको। इसके बाद में ये लगभग सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, चल सकते हैं, बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं, और बाकी लगभग सारा कुछ ही कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी कर पाता है। थैंक यू। मेरा नाम अनिल सजवान है, ये मेरी माता जी हैं, इनका नाम दीपा देवी सजवान है। 26 अप्रैल की रात को इनको ये अपने चेयर से गिर गए थे, सोफे से गिर गए, इनका पैर अटका टेबल पे, सोफे से गिर गए तो नहीं उठ पाए। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत मुश्किल से उठा के हमने बिठाया, फिर हमने इनको लेके गए रात में ही, रात की बात है। उसके बाद हम कैलाश में रेफ़र हुए, हम इमरजेंसी में गए, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमको। उसके बाद जो ज़रूरी टेस्ट थे वो करने के बाद हमें अपना सेमी प्राइवेट वार्ड मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को डॉक्टर ने विज़िट किया, उन्होंने एक्सरे के लिए बोला, तो उन्होंने एक्सरे में फाइंड आउट किया कि THR करना पड़ेगा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो उसके बाद फाइनली थोड़ा इनका इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था ब्लड में, तो 2-3 दिन लगे उसको नॉर्मल होने में। तो 29th को ऑपरेशन हुआ, 29th को ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद अराउंड 1 वीक और 10 डेज में ये घर पे मतलब डिस्चार्ज मिल गया था इनको। फिर उसके बाद हम लोग घर गए, वीकली हमको बुलाया जाता था इधर फॉलोअप के लिए, चेकअप के लिए वीकली बुलाया। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर 15 डेज में बुलाया, फिर एक बार एक्सरे किया। वो एक्सरे में देखा उन्होंने कि हाँ, प्रॉपर जो सेटअप होना था THR में वो हो गया है। तो वो सेटअप कर किया, उसके बाद 15 डेज बाद वापस आए, मेडिकेशंस चलती रही। आज हम 1 मंथ के बाद वापस आए हैं, काफ़ी रिकवरी हो गई है। अब ऑन हर ओन वो खुद से चल ले रही हैं थोड़ी देर के लिए, एंड होप इन नेक्स्ट 1 वीक और 1 मंथ वो टोटली रिकवर हो जाएंगी। जी, मेरा ऑपरेशन अच्छा रहा, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन मतलब किया, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे मैं चल रही हूँ, अब वॉकर से भी चल रही हूँ, ऐसे बिना वॉकर से भी चल रही हूँ, अब बहुत अच्छा है, अब तो थोड़ा मतलब बहुत फर्क है मेरे को। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.